फ्रेंड्स वेलकम बैक, आई एम सुरेंद्र सर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स की। मॉडल्स की संख्या कई होती है, उनमें हम सबसे स्टार्ट करते हैं आज कैन को। आइए देखते हैं कैन का यूज हम कहाँ करते हैं। फ्रेंड्स ये कैन हमारा मॉडल्स के अंतर्गत आता है, और कैन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अर्थात मुख्य क्रिया के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं आदि शब्द आए, और इनके साथ ही साथ उस सेंटेंस में योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य की अगर बात की गई हो, तो हम वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स लगता है आप समझे नहीं, आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आप वर्क को देखिए, एक्शन को देखिए। एक्शन कितने तरह का होता है, काम कितने तरह का होता है। आप जो भी काम करते होंगे उन्हें सिर्फ आप दो आधारों पर ही डिवाइड करते होंगे। एक हमारा होता है शारीरिक काम, पावर ऑफ बॉडी, दूसरा होता है मानसिक काम, पावर ऑफ माइंड। तो यहां देखिए कैन का यूज पावर ऑफ बॉडी और पावर ऑफ माइंड के लिए किया जाता है। जिस काम को हम अपने शरीर की क्षमता से, शरीर के अंदर पावर से जो होता है उससे करते हैं, तो उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। और ऐसे काम जिनको हम अपने मानसिक क्षमता से करते हैं, मेंटल एबिलिटी से करते हैं, उनके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, पुनः कैन लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को लिखेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखिए, राम तुम्हें हरा सकता है। ये पावर ऑफ बॉडी है, हराने के लिए शरीर के अंदर पावर होना चाहिए। राम तुम्हें हरा सकता है, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, वह यह वजन उठा सकता है, मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूं, वह इस दीवार को कूद सकता है। देखिए ट्रांसलेट कैसे करेंगे, राम तुम्हें हरा सकता है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा राम। राम के बाद स्ट्रक्चर में आप देखें कैन, और इसमें मेन वर्ब अर्थात काम हमारा क्या हो रहा है, हराने का। तो यहां हम लिखेंगे राम कैन डिफीट, और तुम्हें का हो जाएगा यू, राम कैन डिफीट यू। नेक्स्ट देखिए, वह इस पत्थर को उठा सकता है, पत्थर उठाने के लिए ताकत की जरूरत होगी, पावर ऑफ बॉडी चाहिए। सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे होगा, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। फिर देखिए ही के साथ क्या लगाएंगे, कैन। उठाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लिफ्ट, और इस पत्थर को हम यहां लिखेंगे दिस स्टोन, ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन। एक और एग्जांपल को देखिए, वह इस नदी को पार कर सकता है, यहां भी पावर ऑफ बॉडी की बात है, ही के बाद क्या लिखा जाएगा, कैन। पार करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, क्रॉस, और इस नदी का हो जाएगा दिस रिवर, ही कैन क्रॉस दिस रिवर। तो आपने देखा वे सेंटेंस जिनमें पावर ऑफ बॉडी की बात की गई है उन्हें हम कैन से किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं और बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं पावर ऑफ माइंड। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये पावर ऑफ माइंड बता रहा है, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। यहां माइंड की बात है, हमारे माइंड की एबिलिटी को बता रहा है, वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। मेरा भाई 5 भाषाओं को बोल सकता है, यहाँ पावर ऑफ माइंड है, मैं इस पहेली को हल कर सकता हूँ, वह डॉक्टर या ऑपरेशन कर सकता है। ये जो भी सेंटेंस है ये सब पावर ऑफ माइंड को बताते हैं। इनको भी ट्रांसलेट करने का जो तरीका है वह पूर्ववत ही रहेगा, सब्जेक्ट कैन, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अभी मैं बताया कि कैन एक मॉडल है और इसके साथ जो है मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, मैं, आई। इसके बाद देखिए कैन बोलना, स्पीक, आई कैन स्पीक, और लास्ट में हमारा हुआ ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यदि आपको सेंटेंस में वर्ब को यहां पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि वे शब्द जिन शब्दों को बोलने से हरकत का पता चलता है, हमारे बॉडी में हलचल होती है, हम उसे वर्ब कहते हैं। मैं, कोई हलचल नहीं हुआ। अंग्रेजी, कोई हलचल नहीं हुआ। बोलना, जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह में, होंठ में हलचल हो रहा है, कि हमारा हुआ वर्ब। सकता हूं, इसमें
जो है कोई हलचल नहीं है, वह चल सकता है, चलेगा तो पैर में हलचल होगा, वह लिख सकता है, लिखेगा तो हाथ से हलचल होगा। तो जहां हलचल जो शब्द बताए उसे हम कहते हैं वर्ब। तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, तुम की इंग्लिश क्या होगी? यू, यू के बाद क्या लिखेंगे? कैन। हल करना सॉल्व, और इस प्रश्न को हो जाएगा दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है, वह सी, इसके बाद क्या लिखेंगे? कैन। सी कैन उत्तर दे सकती है, आंसर, और इस प्रश्न का दिस क्वेश्चन सी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी आसानी से आप कैन वाले वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं और इन्हें बोल सकते हैं। फ्रेंड्स जब सेंटेंस में पावर ऑफ बॉडी पावर ऑफ माइंड की बात हो का जिक्र हो तो हम उसे कैन से बनाएं। फ्रेंड्स सबसे नीचे मैंने एक लाइन लिखा है, वह लिख और पढ़ सकता है, इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजेंगे, मैं आपका वेट करूंगा। और इसके साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी हर एक वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।